नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका ने कमाल कर डाला है। यकीन मानिए, आज चीन इसे देखकर सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे यह बात पता चल चुकी है कि भारत और अमेरिका का एक डेडली ड्यूट तैयार हो चुका है, जिसका मुकाबला कर पाना चीन के लिए असंभव होगा। क्योंकि चीन अभी तक ये मान बैठा था कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने किया है, उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देश जिसमें कि भारत भी शामिल है, उनके बीच में एक अविश्वास की खाई है, एक दूसरे पर वह भरोसा नहीं रहा। लेकिन जो आज हुआ है, उसके बाद साफ हो चुका है कि भारत और अमेरिका का जो कॉपरेशन है, वह इस समय एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। हालात ये हैं कि यह दोनों देश काम जो करते हैं ना, उसकी भनक दुनिया को महीनों बाद लगती है। और यह ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ है। आपको याद होगा नवंबर के महीने में, उस समय जब दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट और भारत के तथाकथित डिफेंस एक्सपर्ट ये चिल्ला कर ये कह रहे थे कि भारत अमेरिका से कभी भी प्रीडेटर ड्रोन नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत महंगा है और भारत इतना महंगा ड्रोन कभी नहीं लेगा अमेरिका से। और अमेरिका से वो भारत आ भी गए, भारत ने उन्हें इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया और दुनिया के महीने बाद पता चला कि जी हाँ, भारतीय नौसेना प्रीडेटर ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। और जो आज हुआ है, वह तो उनके लिए 440 नहीं 880 वोट का झटका लगेगा। दरअसल खबर कुछ ऐसे निकल कर आ रही है सामने कि भारत और अमेरिका एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कितना सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है कि ये भारत और अमेरिका ने इस पर महीनों पहले काम करना शुरू कर दिया था और दुनिया को आज इसके बारे में पता चला है। दरअसल भारत और अमेरिका जिस खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, यह एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन है। हालांकि यह अभी यह नहीं पता लग पाया है कि इसका नाम क्या होगा, इसकी स्पेसिफिक किसका होगी, लेकिन इतना जरूर पता चल पाया है कि यह एक ऐसा ड्रोन होगा जो स्वर्ण ड्रोन को लॉन्च कर सकेगा। और अपने पूरी और मैं इसको आप पूरी कार्यप्रणाली के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए कि पाकिस्तान के कोई बड़ा शहर, मान लीजिए कराची है, कराची के बीचों बीच एक घर है जिसमें कुछ आतंकी छुपे बैठे हैं, जिनका मकसद है आने वाले कुछ दिनों में वो भारत को अटैक करेंगे। हमारे पास इसकी खुफिया जानकारी है, लेकिन हम करके कह सकते हैं क्या हम वहाँ पर मिसाइल से एयर स्ट्राइक कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे जा सकते हैं, इसके अलावा युद्ध भी शुरू हो सकता है। तो इसके बजाय हम दूसरा ऑप्शन क्या है, हम अपने जो बॉर्डर हैं वहाँ पर सुरक्षा सेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा जो हमारी पोस्ट लाइन है, समुद्री जो सीमा है, वहाँ पर पेट्रोलिंग तेज कर सकते हैं। लेकिन वह तो आतंकी हैं, जब तक पेट्रोलिंग सख्त रहेगी तब तक वह बैठे रहेंगे, जिस दिन थोड़ी सी भी ढील मिलेगी वह अंदर घुस जाएंगे और भारत में अटैक कर देंगे। तो ऐसे में सुरक्षा की 100% गारंटी तो उन्हें मारकर ही मिल सकती है। तो उन्हें मारा कैसे जा सकता है भाई? एयर स्ट्राइक हम कर नहीं सकते, आम नागरिक मारे जा सकते हैं, युद्ध का खतरा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बेहतरीन ऑप्शन आता है स्वर्ण ड्रोन का। दरअसल स्वर्ण ड्रोन एक आत्मघाती हमलावर की तरह कार्य करता है, यानी कि एक ड्रोन है छोटा सा, उसके ऊपर 2-2.5 किलो का एक्सप्लोजिव लगा देते हैं। वह क्या करेगा, उस आतंकी के घर के पास जाएगा और वहां से जो लाइव विजुअल है वह हमारे कमांड सेंटर में भेजेगा, वह कंफर्म करेंगे कि यही आतंकी है, कोई आम नागरिक नहीं है। तो उस कमरे के अंदर वह घुसेगा और यह एक्सप्लोड हो जाएगा, या उस कमरे के पास जाकर भी एक्सप्लोड हो जाएगा, सारा आतंकी वहीं पर मारे जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कैसे है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्वर्ण ड्रोन की काफ़ी दिक्कत यह होती है, काफ़ी मुश्किल से 2-2.5 किलोमीटर की रेंज होती है। तो ऐसे में अमेरिका और भारत इसी समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये लोग एक ऐसा ड्रोन बना रहे हैं जो कराची के ऊपर तक जाएगा और उसके बाद स्वर्ण ड्रोन वहाँ से लॉन्च कर देगा। वहीं कुछ मीडिया के हलकों में तो यह भी कहा जा रहा है कि यह स्वर्ण ड्रोन लॉन्चर भी अपने आप में एक स्टेल्थ ड्रोन होगा, यानी कि पाकिस्तान इसे पकड़ नहीं सकेगा। यह कराची के ऊपर बहुत ही आसानी से जाएगा और वहाँ पर ड्रोन लॉन्च करके उन आतंकियों को एलिमिनेट कर देगा। इतना ही नहीं, कोई सेना की टुकड़ी है उसके हमें किसी खतरनाक हथियार को ही तबाह करनी है, बाकी सेना के लोगों को नहीं मारना है, तो उसके लिए भी स्वर्ण ड्रोन बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। और इसके फ्यूचर वेपन कहा जाता है, नेक्स्ट जनरेशन हथियार इन्हें कहा जाता है। इसका बहुत ही बड़ा फायदा यह भी होता है कि हमारा जो पायलट है उसकी जान माल को खतरा नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर इसे डिटेक्ट कर भी लिया जाए और यह स्टेल्थ नहीं भी हुआ, तो भी यह सिर्फ हमारा ड्रोन ही मारा जाएगा, हमारे पायलट को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
इसकी मदद से हम आसानी से स्ट्राइक भी कर सकते हैं और जो सबूत मांगते हैं उनके लिए भी यह बेटर है। क्यों? क्योंकि उनके लिए मान लीजिए बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक करनी है और हमारा जो स्वर्ण ड्रोन लॉन्चर है यह बालाकोट के ऊपर जाएगा और वहां पर स्वर्ण ड्रोन लॉन्च करेगा, वह नीचे जाएगा और बड़ी आसानी से उन आतंकियों के फ़ोटो खींच लेगा और उसके बाद उनके करीब जाकर एक्सपोर्ट हो जाएगा, हम फोटो हमारे कमांड सेंटर में आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और इसलिए इसे फ्यूचर वेपन कहा जाता है। तो आपको बता दूं कि अमेरिका को इस तरह के टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। अमेरिका के सेना में ऑलरेडी ऐसे वेपन इंक्लूड हैं, तो ऐसे में इससे भारत को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और न सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी, बल्कि लॉन्ग टर्म में अमेरिका के साथ हम बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और एक नया तरीका देगा और उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हमारा भी एक प्रोग्राम है कैट्स हंटर, उसमें लगाकर उसे भी रैपिड अप कर सकते हैं, उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं प्रोजेक्ट की। ऐसे में इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, भारत को इससे लाभ होगा। तो दोस्तों यह थी अपडेट जो मैंने आपको बता दी। इस विषय में आपका क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।